दीपावली के बाद पूरे ब्रज में अन्नकूट महाउत्सव की धूम मच रही है। ब्रज के प्रत्येक मंदिर में अन्नकूट ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है। इसी क्रम में श्रीधाम वृंदावन के गोपीनाथ बाजार स्थित प्राचीन ठाकुर अग्र बिहारी महाराज का अन्नकूट महाउत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मुख्य सेवात पंडित दाऊ दयाल शर्मा ने बताया कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ठाकुर जी का अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें तरह तरह के व्यंजन जैसे कढ़ी चावल, दही भात, फुलेरा चावल, पुष्पान भाजा, पकौड़े, पापड़, चटनी, अचार के साथ साथ कई तरह के मिष्ठान, छप्पन भोग भी ठाकुर जी को अर्पित किए जाते हैं। मुख्य रूप से यहां परंपरा भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत धारण करने के समय से चलती आ रही है। उसी क्रम में आज तक सभी मंदिरों में अन्नकूट प्रसाद का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। ठाकुर जी की आरती के पश्चात आसपास के बाजारों में लगभग 500 से भी ज़्यादा लोगों ने बैठकर प्रसाद ग्रहण कर अपने आप को सौभाग्यशाली माना। भगवान के प्रसाद प्राप्त करने के लिए दोपहर से लेकर शाम तक प्रसाद व्यवस्था जारी रही। अभी तक नहीं थे। रात भर न्यूज में अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।